चार वर्षीय सिवा बोरवेल में गिरा। आर्मी SPRA पूर्वी पूरे सर्किल फोर्स के साथ पहुंचे। आगरा निबोहरा थाना क्षेत्र के ग्राम धरियाही में चार वर्षीय बालक बोरवेल में गिर गया। 95 फीट की गहराई पर होने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के थाना क्षेत्र के ग्राम छोटे लाल का 4 वर्षीय पुत्र शिवा खेलते समय बोरवेल में जा गिरा। घटना की जानकारी SPRA पूर्वी पूरे सर्किल के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइपलाइन डाली है। फिलहाल सेना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है तथा बच्चे को निकालने के लिए पूरी प्रयास की जा रही है। देखें विद्या राम की यह रिपोर्ट। थाना निबोरा में गांव का नाम देरिया। यहाँ पे पुलिस को सूचना मिला है 7:30 बजे के आसपास, 3.5 साल का बच्चे है। एक अपना घर के सामने खेलते समय उनका घर के सामने एक पुराना बोरवेल था, उसका बोरवेल के अंदर उनका पैर फिसल के अंदर चला गया था। वो सूचना मिलते तुरंत जनपद आगरा का पुलिस, फायर सर्विस और प्रशासन सब वहां से रवाना करके तुरंत आए। आते आते समय हम लोग सभी रेस्क्यू टीम का भी कोऑर्डिनेट कराया, हम और DM साहब ने कोऑर्डिनेट कराया जनपद स्तर पर। तुरंत SDRF टीम को बुलाया और जनपद में आर्मी है, आर्मी की टीम रेस्क्यू टीम को बुलाया, साथ साथ NDRF की टीम का भी हम लोगों ने बुलाया, वो भी रास्ता में है। अब टीम तुरंत सुबह से लगातार काम लगी है। सभी हम लोग सबसे पहले बोरवेल के अंदर बच्चे का वर्तमान हेल्थ कंडीशन देखा है। अब तो बच्चा अंदर जीवित है, अभी कैमरा के माध्यम से हम लोग निगाह रखा है, साथ साथ उनका ऑक्सीजन का सप्लाई भी लगातार चल रहा है। हमारा डॉक्टर टीम मेडिकल टीम भी उसका हेल्थ कंडीशन का मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और लोकल पुलिस जॉइंटली प्लान करके हम लोग काम करवा रहा है। ये लगातार चलेगी ये रेस्क्यू ऑपरेशन। अब हम लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था शांति है, जनता से अपील कर शांति से रहने के लिए, और मीडिया से भी मैं अपील करता हूँ आप लोग भी हमको कोऑपरेट करेंगे। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए बहुत टाइम लगेगी और पूरा टीम ये इसका अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसको अभी टीम बैठ के अभी लगातार गड्ढा भी शुरू हो गया। रेस्क्यू करने के लिए SDRF NDRF वो एक्सपर्ट टीम है, उन लोग अपना योजना बनाएंगे उसके अनुसार हम कर रहे। अभी 3 JCB मशीन है उसके माध्यम से हम लोग ऑपरेशन का शुरू कर रहे हैं। टाइम तो इसका हम नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चे का अभी गहरा है, लगभग 90 मीटर का अंदर है डीप में, सो इसको लोग 90 मीटर से आसपास है, इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम लगेगी, इसका हम टाइम फ्रेम नहीं कर सकते। फिर भी जमीन का कंडीशन है और हर चीज़ हम ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा प्राथमिकता बच्चे का जीवित सुरक्षित उसका रेस्क्यू करना है।